अब बोली खर्चे की कॉपी दिखाओ। बीजेपी ने कहा इनका अकाउंट सीज कराओ। जी हाँ, आपको बता दें कि आपको 164 करोड़ वसूली के नोटिस पर घमासान बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल एड को लेकर आपको डीआईपी का नोटिस आया है। इसी को लेकर आप और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को घेरा है। दरअसल दिल्ली के एलजी के आदेश पर आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप है। नोटिस में आपको पैसे जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने पैसे नहीं जमा किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप पैसे नहीं चुकाती है तो पार्टी की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। विज्ञापन विवाद में मनीष सिसोदिया के जवाब पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एक समय दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा था, दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी लूट रही है। आज 163 करोड़ वापस करने की बात आई तो ये लोग छटपट आ गए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर ये नोटिस भेजा है, ये अराजकता का परिचय है। तिवारी ने कहा कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, इसमें सरकार या सरकार की योजनाओं का कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल और सिसोदिया की बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि इस रिकवरी के बाद जब जनता को पता चलेगी तो कहेंगे ये कोर्ट से ऑर्डर आया है। इस पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार दो बार कोर्ट जा चुकी है, जहां से इन्हें निराशा हाथ लगी। मनोज तिवारी ने कहा कि रिकवरी के लिए आपके अकाउंट को सीज किया जाना चाहिए और इस विज्ञापन में जिस जिसका चेहरा चमका है आपके उन विधायकों का खाता सीज किया जाना चाहिए। आपके विधायकों की प्रॉपर्टी सील करनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि इस पर केजरीवाल स्थिति स्पष्ट करे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी को 163 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस पर कहा कि भाजपा दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। सिसोदिया ने पूछा कि क्या भाजपा अपने मुख्यमंत्रियों से भी धन वसूले की जिनके विज्ञापन दिल्ली में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग बंद कीजिए और हमें काम करने दीजिए। सिसोदिया ने कहा कि हमने पार्टी के सचिव से विज्ञापन के ब्यौरे यह देखने के लिए मांगे हैं कि इसमें अवैध क्या है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।